मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL सेवरी और न्हावा सेवा यानी JNPT के बीच बहुत जल्दी समुद्री पुल का निर्माण हो जाएगा। यह समुद्री पुल साल 2024 के अंत तक तैयार होने की संभावना है। इस पुल से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय में कटौती होगी। वहीं मुंबई में पुणे और गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए यह वरदान साबित होगी। इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक में शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए नवी मुंबई में आर्थिक विकास को भी बढ़ा देने की उम्मीद है। इस लिंक का शेवरी, शिवाजी नगर और चिरले में इंटरचेंज होगा। फिलहाल वर्तमान में यह मार्ग PD मेलो रोड फ्रीवे और शायन पनवेल एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे यानी NH 48 और NH 748 से होकर जाती है। वहीं भविष्य में यह PD मेलो रोड फ्रीवे MTHL और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चिरले के माध्यम से निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हाईवे हवाई अड्डे से गुजरेगी और यह मार्ग गोवा तक जाएगा। वहीं मुंबई पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 48 पर आने वाले लोनावला और खंडाला जैसे रूट की भी समय सीमा 90 मिनट तक कम हो जाएगी। वहीं अधिक ट्रैफिक के वजह से STML पर भीड़भाड़ बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि न्हावा सेवा क्षेत्र में मौजूद सड़कें सक्रिय हैं और STML से उतरने वाले वाहनों को 1.5 किमी का चक्कर लगाना होगा, जिससे पीक आवर्स के दौरान बातचीत करने में 45 मिनट लगेंगे। इसलिए इसे दूर करने के लिए STML को 6 किमी के विस्तार की योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में मुंबई से पुणे का जो सफर है वो 90 मिनट में पूरा होगा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से